नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम न्यूज में। इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए जान लेते हैं हमारे कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, राम राजा मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निवाड़ी जिले में। राम राजा मंदिर निवाड़ी जिले में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। इसके अलावा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, छतरपुर के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है एवं रायसेन जिले के भोजपुर में भोजपुर मंदिर स्थित है। इंदौर जिले में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर और सीहोर जिले में प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर स्थित है। भोपाल जिले में है बिरला मंदिर स्थित। यह हमारा आज का प्रश्न है, देश का प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, सीहोर में या रीवा में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजवर्धन सिंह ने। दुबई में आयोजित हुए वर्ल्ड एक्सपो 2020 में मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भाग लिया है। इस एक्सपो में मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी उस संस्थान स्थापित करने की संभावना पर विचार हुआ है। और जो प्रतिनिधि मंडल गया था दुबई, इन्होंने फूड प्रोसेसिंग टूरिज्म अपेरल एंड सोशल हेल्थ केयर सेक्टर के साथ ही यूएई के प्रमुख उद्योग समूहों के निवेशकों से भी मुलाकात की है। और दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 ये 3 दिसंबर से 9 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है, ये अभी भी जारी है। इस पर जनसंपर्क विभाग का ट्वीट है कि मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी और संस्थान स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार हुआ है। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि होमगार्ड प्रशिक्षण संस्थान पर उपलब्ध भूमि पर राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। जबलपुर के मुंगेली में 165 एकड़ परिसर में 135 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है और अब ये जबलपुर में भी बनाया जा रहा है। इस पर जनसंपर्क विभाग का आर्टिकल है कि जबलपुर में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान, 165 एकड़ जमीन पर 135 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के सौरभ दीक्षित की फिल्म किल्लत को बेस्ट डार्क कॉमेडी अवार्ड मिला है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। भोपाल जिले के सौरभ दीक्षित की फिल्म किल्लत को यूएस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट कॉमेडी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड पाने वाली यह देश की एकमात्र फिल्म है और गंभीर त्रासदी पर आधारित इस शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला है। देश की पहली फिल्म सिटी ये भोपाल में स्थित है और अभी हाल ही में चर्चा में रही शेरनी फिल्म की शूटिंग भी मध्य प्रदेश में हुई है। आप देख सकते हैं कि भोपाल के सौरभ दीक्षित की फिल्म किल्लत को बेस्ट डार्क कॉमेडी अवार्ड मिला है यूएस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में और इसे लेक व्यू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एडिटिंग अवार्ड भी मिला है। यह हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले को विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है इंदौर जिले को। विश्व दिव्यांग दिवस पर इंदौर जिले को दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इंदौर के सांसद
श्री शंकर लालवानी को यह अवार्ड प्रदान किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पर आर्टिकल भी है कि दिव्यांग जनों के पुनर्वास में इंदौर देश में अव्वल है। विश्व दिव्यांग दिवस पर सांसद शंकर लालवानी को मिला राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार। यह हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता कब तक प्रभावी रहेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 23 फरवरी 2022 तक। मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता 4 दिसंबर 2021 को लागू हो गई है। 23 फरवरी 2022 तक मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ये हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। और मध्य प्रदेश के चुनाव पंचायत चुनाव ये 3 चरणों में पूर्ण होंगे। पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी 2022 को आयोजित होगा। इस दिन इन पर मतदान किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर ट्वीट भी है कि आदर्श आचार संहिता 4 दिसंबर से 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगी। अब हम करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कल के प्रश्नों का रिवीजन। हमारा पहला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक गौशालाएं वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले की 3.5 साल की विधि जैन ने अंग्रेजी के सारे अक्षर उल्टे लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। अगला प्रश्न है, हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय स्मारिका का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न है, किस जिले में कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल में इनोवेशन श्रेणी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को कितनी रेटिंग मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्टार रेटिंग। तो ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।